अरे भाई काहे के लिए बौखला रहे हो मदारी की तरह? साहब हम काहे बौखलाएंगे बताइए, राजनीतिक पार्टी है या आरएसएस है? गुस्सा क्यों हो जाता है नाक पे? गुस्सा क्यों रखते हैं? ये चांदनी चौक के जमात है क्या? नहीं आप बताइए नाक पे गुस्सा क्यों रख के बैठे रहते हैं? मतलब आप अभी बोल रहे थे कि जो है जो है जो है सो है, पेपर में लिखा है, हमने पूछ लिया क्या लिखा है तो गुस्सा आ गया। स्मृति ईरानी बोलती है, अरे बंद करो ये धंधा, हो गया धंधा, अब छोड़ो यार जसोदा बाई की बात छोड़ो, अब आगे आगे आइए। क्या कह रहे हैं आप? आप नहीं, आप क्यों जनता देख रही है, व्यूअर्स कौन बौखलाया हुआ है जो जो विपक्ष, अब देखो ना जो जो कौन बौखलाया हुआ है देखिए जरा। आप देखिए एक बात सुनिए, फिर आप इन लोगों के पास जीरो सीट है, ये अहंकार से नहीं बोल रहा हूं मैं, अरिथमेटिकली बोल रहा हूं, गणित के माध्यम से बोल रहा हूं, जीरो विधानसभा सीट, एक एक जीरो लोकसभा सीट। अतुल जी अब बात पूरी कर ले, संबित जी फिर आप जरूर बोलिए। अतुल जी बात पूरी कीजिए, अतुल जी बात पूरी कीजिए। अरे आप छोड़िए, जाने दीजिए, ठंडी ठंडे पानी तो पिलाइए पहले। नहीं आप अखबार का जिक्र कर रहे हैं ना, इन सबको अखबार चांदनी चौक पर बेचने वाले कपड़े सब चले आ रहे हैं, राजनीतिक बहस हो रही है। अरे काहे गुस्सा कर रहे हैं चांदनी चौक पर बैठने वाले जिससे आप कर रहे हैं, तो अच्छे लोग चांदनी चौक पर बदनाम कर रहे हैं। एकता बढ़ती जाएगी। अरे काहे के लिए गुस्सा, क्यों बीच में बोलते हो? अरे क्यों बीच में बोलते हो? क्यों बीच में बोलते हैं आप? सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा सर, डिस्टर्ब करके आप हमको डिस्टर्ब करना चाहेंगे? शांति शांति सर, सड़क किनारे जो मदारी है उस तरह की बात करेंगे? पांच पांच नेता महागठबंधन के बैठे हैं, अकेले हम बैठे हैं बीजेपी से, फिर भी आप ऐसे हो जा रहे हैं? अभी गाली सारी चिल्ला रहे थे जोर जोर से, तब तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा था। नहीं अंजना जी देखिए, शांति वहां हो गई, ये सारे महागठबंधन बना के बैठे हैं, थोड़ा सा क्या सवाल पूछ लिया तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा के चिल्लाना शुरू करके गाली देना? प्लीज अतुल जी को पूरी कर दीजिए, अब अतुल जी बोलेंगे तो बोला था पूरी कर लो करके बोल कर रहे हैं ये, और ट्रोल कर नहीं रहा है, ये यहां बात कर रहा स्वराज को इंटरव्यू दे रहा है। अब गुस्सा ज्यादा अगर बोलोगे तो इतनी इतने अब शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे, आप समझ नहीं रहे बोलते? अरे प्रभु ऐसे मत करिए, आप शब्दों का प्रयोग मत करिए, धमकाइए मत ना, तो वो तो बैठे हैं यहाँ टीएमसी वाले हमको हत्या करने के लिए, आप क्यों कर रहे हैं? का ख्याल है? नहीं नहीं प्रभु ऐसे मत करिए, वो हमारी हत्या करने के टीएमसी वाले ऑलरेडी बैठे हुए हैं सर, आप चिंता मत करिए, वो हमारी हत्या भी कर देंगे। गांधी की हत्या कर दी आपने, आपने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी आपने, आप ऐसे मत करिए सर, आप सब कर चलिए, आप सब भी कह लीजिए, लिंचिंग कल्चर इस देश में ले आए, इस देश में लिंचिंग कल्चर लाने का काम आपने किया है। चलिए संस्कृति नहीं बदली आपकी, देखिए रोज हत्या देख रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन किसका है अंजना जी? किसान मरवाते हो, मैंने इनसे क्या पूछ लिया कि 18,000 गांव तक बिजली क्यों नहीं पहुंची थी? तबीयत नहीं बदली अभी तक। मैंने इनसे पूछ लिया कि 50% लोगों का बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुला था? बिजली 18,000 आपने क्या? मैंने इनसे सिर्फ ये पूछ लिया कि एलपीजी सिलेंडर घर घर क्यों नहीं पहुंच रहा था, ये इतने नाराज हो गए। मैंने सिर्फ इनसे ये पूछ लिया कि मैटरनिटी लीव क्यों नहीं मिल रही थी, अभी जाके 26वीं क्यों करना पड़ा, तो ये नाराज हो गए। मैंने इनसे पूछा 4 करोड़ घरों तक सौभाग्य योजना के माध्यम से आप देना पड़ रहा है, तो ये मुझसे नाराज हो गए, बोल रहे हैं अब शब्द कहना पड़ेगा। गलत थेथर करने वाले, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, का लोकतंत्र, ये देखिए फिर इनका शुरू हो गया। गरीब लोगों की थाली ऐसे से रोटी खींच, अंजना जी मैं हाथ जोड़ के कहूंगा पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया करिए, इस प्रकार लोगों को मत बुलाया करिए, आपका डिबेट खराब हो जाता है, लोग देखना बंद कर देते हैं टीवी। अंजना जी मैं बोलता हूँ, वो चैनल चेंज कर देते हैं इस प्रकार के लोगों के डिबेट के कारण। डज ही अपीयर टू बी एजुकेटेड मैन? आई एम सो सॉरी टू स्टेट, इस प्रकार का बिहेवियर उचित है क्या? आप बताइए, ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, अच्छे आदमी हैं, उसके बाद इस प्रकार का इतनी बौखलाहट अच्छी बात है क्या? झूठ और फरेब, इस प्रकार का बोल रहे हैं कि मैं केवल अपशब्द बोलूंगा, गंदी गाली दूंगा, ये हर कोई एक दूसरे से टीवी पर बैठकर अब पूछेगा तुम कितने पढ़े हो, मैं कितना पढ़ा हूँ, ये ठीक नहीं है। अच्छी बात है क्या? मैं इसकी निंदा करती हूँ, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। 10 सेकंड बोलने दिया जाए, ये ठीक नहीं है। सीपीआई के साथ नहीं, मैं भी यही कह रही हूँ, मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि एक सार्थक बहस हो। तो कैसे आप बोल दीजिए, मैं चला जाता हूँ। नहीं, अगर आप चाहती है कि आज तक बीजेपी नहीं आए तो कोई बात नहीं है, हम चले जाएंगे, बीजेपी भाग नहीं लेगी, कोई बात नहीं है। जिसको मौका मिलता वही है धमकी देता है कि हम आपके चैनल पर नहीं आए। ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा चैनल है हिंदुस्तान का। सवाल तो आपने सवाल मुझसे पूछा, ये चिल्ला रहे हैं अतुल अंजान जी, बदतमीजी की बात है, नहीं वो फैक्ट्स पर बात कर रहे थे सर, बोलने नहीं दूंगा आज मैं अतुल अंजान जी। अतुल जी, अतुल जी सावधान, ये हत्या की धमकी
देना बंद कर दीजिए, ये मार देंगे काट देंगे बोलना बंद कर दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे सबसे बड़े पार्टी का प्रवक्ता हूँ मैं, ये मार देंगे काट देंगे हटा देंगे ये बोलना बंद कर दीजिए। 11 करोड़ लोग हैं इस देश में, बंगाल में मार देंगे काट देंगे, केरल में मार देंगे काट, ये नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक तरीके से जनता जवाब देती है, ये धमकाना बंद कर दीजिए। डोंट बिहेव लाइक एन अनएजुकेटेड फूल, डोंट बिहेव लाइक दिस, ये अनपढ़ गवारों की तरह बिहेव करना बंद करिए और धमकाना बंद करिए कि मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं मार दूंगा। क्या मार देंगे आप, क्या मार देंगे आप, क्या धमकी देते हैं आप, धमकी देना बंद करिए। रेलवे स्टेशन का काम इस प्रकार के लोगों का पुलिस में रिपोर्टिंग होना चाहिए जो टीवी चैनल में धमकी देने का काम करते हैं, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। रिपोर्टिंग जो बोलते हैं मार देंगे काट देंगे बोलने नहीं देंगे। आप इतने वरिष्ठ नेता है राष्ट्रीय सचिव, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मैं फैक्ट्स पर इनसे बात करूंगी, अगर अभी से इधर उधर की कोई भी बात हो तो मैं रोकूंगी और मैं टोकूंगी, जो मैं लगातार कर रही हूं। नहीं, वो फैक्ट्स पर आ रहे हैं सर, फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। आप भी तो राहुल गांधी की बात ये करते हैं आपके चैनल पर, आप बिल्कुल शांत होकर बैठिए। राहुल गांधी पर हमला करते हैं, रेस्पेक्टफुली कहा, ये धमकाना बंद करिए, ये बीजेपी के लोगों को नहीं, ये बीजेपी के लोगों का धमकाना बंद करे, पहले इनको शांत करेगी, ये पहले इनको शांत जवाब दीजिए। नहीं नहीं, आप बताइए, पर्सनल कमेंट्स नहीं, धमकाना नहीं बंद करें, ये आप अंजना जी, उन्होंने मुझे कहा कि हम बीजेपी वालों को बोलने नहीं देंगे, हर किसी को आपको भी अतुल अंजान जी, थोड़ी सी भाषा की मर्यादा रखनी होगी। सभी प्रवक्ताओं से मैं निवेदन कर रही हूँ, प्लीज भाषा की मर्यादा को रखिए, मोदी के अपना गुस्सा टीवी पर मत निकालिए, देश करेंगे हमें मार देंगे वो तय करेगा, हिफाजत की जाएगी, अल्पसंख्यकों की हिफाजत की वो जाएगी, वो तय करेगा, पिछड़े लोगों की हिफाजत की जाएगी। ये बड़ी बड़ी आंखें दिखा के मार देंगे, धमकाना बंद कर दीजिए। गांधी के स्टूडियो के शोर में आप समझ नहीं पाते हैं, जो दर्शक चुपचाप अपने घर में बैठा है ना, वो बहुत कुछ तय करता है। अपने ही नेता दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करके लोकतंत्र बचाएंगे, चुपचाप बैठ जाइए, यहाँ बेकार की बातें मत करिए। मैं आपत्ति लेता हूँ इन बातों का, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हमने की है, हम क्या बोल रहे हैं ये सब यहाँ बैठ के अंजना जी। नहीं, आपत्ति कुछ नहीं है, आपने दीनदयाल सड़क छाप लोगों से डिबेट मत कराया करिए अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। सचिव है सीपीआई के, राष्ट्रीय सचिव है, ये बिहेवियर राष्ट्रीय सचिव है सीपीआई के का, ये हालत क्या होगा उस पार्टी की, हालत क्या होगी सोचिए, इतनी घृणा मोदी जी के प्रति कि यहां मार देंगे काट देंगे की धमकी दे रहे हैं, अपने अंदर रहिए। भाई बैठ जाइए, गुस्सा ऐसे मत करिए, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, शांत हो जाइए, आपको 100 साल जीना है। कौन मारेगा, अरे भैया आपको 100 साल जीना है, ब्लड प्रेशर तो आप, ब्लड प्रेशर नहीं आपका, हम आपके ये जो 35 लाख रुपए खर्च करके अपना जाओ विराट कोहली से कहो उससे टक्कर ले ये प्रधानमंत्री। अंजना जी, फिटनेस करने के लिए खिलाफ बोल रहे हैं, 50 लाख रुपए बोल सकती है, मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं, आप प्लीज डिबेट को मॉडरेट करके इनको प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री करता है, 20 करोड़ प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा सही है। अतुल अंजान जी, आपको कम से कम इतने बड़े चैनल में बिहेव करना आना चाहिए। तू तड़ाक पर आप प्रधानमंत्री के लिए उतर गए कि आपको लगना सही है, जब उसके प्रवक्ता ठीक नहीं करते। हमारा प्रधानमंत्री 20 करोड़ रुपया आयुष पर खर्च करता है, क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कह रहा है, बैठता है, क्या बोल रहे हैं, मतलब व्हाई आर यू अलाउइंग दिस, अरे मुकदमा करा दो ना इसी वीडियो कैसेट पर ले जा करके, क्यों करने दे रहे हैं इसे मुकदमा मेरे चैनल पे, ये नहीं, नहीं, नहीं है, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा, आप तो राष्ट्रीय सचिव है सीपीआई के, अलाउइंग दिस आरएसएस पीपल टू मलाइन, वो आरएसएस के नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सत्ताधारी पार्टी के, जनता ने वोट दिया था, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। समझ लें कि अब इस तरह से अगर बहस होनी है कि एक व्यक्ति लगातार बोलेगा तो फिर हम कैसे समय को बांधेंगे, कैसे समय में, और ऑलरेडी देखिए आप टाइम देखिए 35-36 हो चुका है, कंप्लीट कर लूं जवाब, देखिए मैं एक नहीं कर सकते, आप परसों की बात करिए ना, आप कौन है अतुल जी जो यहाँ धमकाएंगे कि आप बात नहीं कर सकते, वापस आप मिस्टर पात्रा कैसे इशू पे स्टिक करो, आप कंट्रोल पे, पहले आप डिबेट कंट्रोल करिए, डिबेट कंट्रोल कर रहे हैं, हाउ देखिए चुप नहीं हो रहे तो साउंड डाउन कर दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस खेल सकता है, ये कौन से ट्रंप बोल रहे हैं जो आप इनकी आवाज कह सकते हो, ट्रंप नाराज हो जाएगा, को जूते मारना गलत था, किस व्यक्ति को पकड़ के आप डिबेट में आते हैं, इतने महत्वपूर्ण चैनल का एक घंटा जयवीर शेरगिल कुछ करेगा, कोई जयवीर शेरगिल नहीं, अब हम बोलेंगे और सुनना पड़ेगा,
कोई जय वीर शेरगिल नहीं बोलेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो घृणा है, इस प्रकार की जो एटीट्यूड यहाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को मार देंगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं पाएगी, ये धमकी ओपन टीवी में दिया जा रहा है, ओपन टीवी में दिया जा रहा है कि हम आपको बोलने नहीं देंगे। ये क्या है? और आज तक जैसे बड़ी चैनल ये सुन रही है और इस पे अंकुश नहीं लगा पा रही है, ये यहाँ बोल रहे हैं कि हम भाजपा को बोलने नहीं देंगे, कुछ भी कर लीजिए। और आप अंजना जी देश में धन्य आपने सुन रही है, ये तू तड़ाक करके मोदी जी को बोल रहे हैं कि मोदी क्या करेगा, मोदी ने ऐसे किया, और ये सुनना पड़ रहा है, क्यों सुनना पड़ रहा है, क्यों सुन, ये सीपीआईएम किसी हत्यारी पार्टी से सुनना पड़ रहा है, क्यों सुनना पड़ रहा है इनसे? आप देवगौड़ा को देवगौड़ा, आप बैठ जाइए अतुल अंजान जी, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए आप लोगों पे लड़ना चाहता हूँ, आप जैसे नेताओं के साथ में डिबेट भी नहीं करना चाहता, जिनके पास ना आंकड़े हैं, जिनके पास केवल अपशब्द है, उनके साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के डिबेट का कोई अंजाम नहीं करता है। मैंने एक सवाल पूछा था, लेकिन ये भी समझना जरूरी है संबित पात्रा जी कि निजी तौर पर जब हम किसी पर हमला करते हैं, आप भी देवगौड़ा देवगौड़ा करके बोल रहे हैं तो परिस्थिति ऐसी बनती है, ऐसी परिस्थिति बनती है। वो एक सवाल आपसे पूछ रहे, अरे आप सत्ताधारी पार्टी है सर, नरेंद्र मोदी कहते हैं जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो वैसे ही झुककर, जिस पेड़ में फल लगे होते हैं किया जाए, मैं देवगौड़ा जी कहूँ तो चीखे सर, आप भी चीखे, मैं भी चीखती हूँ, वो भी चीखे, सारे चीखे, देवगौड़ा जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, ये आपत्तिजनक है, इसमें क्या आपत्तिजनक है? जिस पेड़ में कहा देवगौड़ा जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, यहाँ बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक क्यों है, क्यों है? यहाँ मोदी जी के लिए तू कहा जा रहा है, यहाँ मोदी जी के लिए तुम कहा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, जवाब दीजिए। पहली बात आप, अरे आप बैठ जाइए, अतुल अंजान जी धमकाना बंद कर दीजिए, आप बैठ जाइए, जवाब दीजिए। देखिए मैं इतना कहना चाहता था कि विगत 70 वर्षों में 66 एंटरप्राइजेस जो हैं वो जीएसटी के अंतर्गत आई, एक वर्ष में जीएसटी के अंतर्गत 48 लाख एंटरप्राइजेस आई, 66 लाख इन 70 ईयर्स वर्सेज 48 लाख इन 1 ईयर, कौन परफॉर्मेंस दे रहा है, देश को आगे कौन बढ़ा रहा है? आज अगर बुकिंग रिपोर्ट्स कहती है 1 मिनट में 44 भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर चले जाते हैं, आज बंगाल की सरकार कह रही है 68 लाख जॉब हमने दिया है और कर्नाटक कहती है कि 53 लाख जॉब हमने दिया है, तो ये क्या आसमान से टपक रही है? ये जॉब अगर केंद्र सरकार जॉबलेस है तो ये जॉब कहां से आ रही है? 1 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाया गया है तो ये क्या मंगल ग्रह से आए हैं? इंसानों के हाथों ने इन घरों को बनाया है जो गरीबों तक पहुंचे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट हुआ कि नहीं है? आज अगर रोड या रेलवे डबल रेट से रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं तो इंसानों ने बनाया है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, ये सवालों का जवाब कौन देगा? जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी को समझ है, देश की अर्थनीति की समझ राहुल गांधी जी को है? जो कोको कोला कैसे बना, सिकंजी वाले ने कोको कोला बनाया, बर्गर वाला ढाबा वाला पकौड़ा बोला गया था, आपने तो आपत्ति नहीं की, पकौड़े पे तो आपत्ति नहीं की, शुरू में ही बिल्कुल, जिसको देश का अर्थतंत्र की समझ ही नहीं है, फ्रजाइल 5 थी हमारी देश, फ्रजाइल 5 कंट्री आज फैबुलस फ्यू है, 2013 में वर्ल्ड बैंक ने फ्रजाइल 5 कहा। छोटे से ब्रेक के बाद फॉरन लौट रहे हैं, देखते रहिए हल्ला बोल।